हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे रेल ऑडियो का 502 मॉडल। अब बेसिकली दोस्तों ये है ड्यूल चैनल का और आप सभी के कमेंट का ये जरूर रिप्लाई देता हूं। उनमें से काफी ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे जो रिप्लाईज थे, कमेंट्स थे, वो सारे के सारे इस एम्पलीफायर को लेकर 502 मॉडल हमें रेल ऑडियो का दिखाइए। तो लीजिए दोस्तों, ये ड्यूल चैनल में आता है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट टनल है, ये बूस्टर टाइप का रहने वाला है। इसके पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ ही दिखाने वाला हूँ इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी हमें कैसी कैसी क्या क्या देखने को मिल जाती है। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ इस टाइप की जो है वो पैकिंग देखने को मिल जाती है रेल ऑडियो की। यहाँ पे ब्रांडिंग है 1500 जो है वो उसके, यानी 1502 इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं, वो हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। फिलहाल में भी इसके जो सील्स है यहाँ पे आपको बेसिकली कोई भी एम्पलीफायर होगा रेल ऑडियो का, तो यहाँ पे आपको ये सील जो है, ये पत्तियां जो है वो मिलेगी, तो इसको आपको ध्यान से काट लेना है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर हो जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो लॉक सिस्टम है। अभी मैं इसको खोलता हूँ और दोस्तों ये आ जाता है थर्माकोल की पैकिंग। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये चारों साइड से जो है वो थर्माकोल से पैक रहता है। अभी मैं इसको दोस्तों यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या डिटेल वाला एम्पलीफायर में वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल ऑडियो की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, RXB 1502 DX इसका जो है वो मॉडल नंबर रखा गया है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं चैनल 1 यहाँ पे हो जाता है और चैनल 2 यहाँ हो जाता है। ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन जो है वो यहाँ पे सेंटर में दे दिया गया है इसका, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। जस्ट उसके ऊपर देख सकते हैं लेवल इंडिकेटर है, यानी चैनल 1 का लेवल इंडिकेटर हो जाता है, चैनल 2 का लेवल इंडिकेटर हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये एम्प ऑन और यहाँ पे फॉल्ट का, ये चैनल 1 के लिए सेपरेट है और यहाँ पे ये चैनल 2 के लिए यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट दिया गया है। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये MX सीरीज के अंदर आता है। यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े से वेंटिलेशन देखने को मिलाते हैं चैनल 1 के लिए और चैनल 2 के लिए। बेसिकली जैसे कि पता है आप सभी को, ये ड्यूल चैनल जो है वो पावर एम्पलीफायर है। तो यानी अगर आप यहाँ पे बूस्टर, यानी बूस्टर टाइप से अगर आप ढूंढ रहे थे कि मेरे को ड्यूल चैनल में चाहिए, तो यस ये आपके एम्पलीफायर बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। या अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं पावर ऑन और टेम्परेचर दोनों का जो है वो इंडिकेटर्स देखने को आपको मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ये हैंडल जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैवी हैंडल्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी ओवरऑल हो गया दोस्तों इसका फ्रंट लुक, चलते हैं इसके बैक साइड भी अभी हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक फैन का यूज देखने को मिलता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा मेड इन इंडिया रखा गया है, तो यहाँ पे आप ये मेड इन इंडिया जो है वो मेंशन देखने को मिल जाता है। 19 रैक माउंटिंग वाला सिस्टम इसके अंदर दिया गया। तो यहीं अगर मैं बात करता हूँ, दो फ्यूज आपको देखने को मिलता है, यानी सेपरेट सेपरेट चैनल के लिए दो दो यहाँ पे फ्यूज देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इनपुट और आउटपुट की दोस्तों, यहाँ पे सिंगल में आपको TS यानी TS आपको इनपुट और आउटपुट दोनों मिलता है। तो यहाँ से आप स्विच सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडियो चलाना है तो दोनों में आप इनपुट कर दीजिए, अगर आपको मोनो में चलाना है तो ए चैनल में इनपुट कर दीजिए, दोनों ही इससे ऑपरेट हो जाएगा। या अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप आउटपुट के दोस्तों, यहाँ पे टर्मिनल दिए जाते हैं, कोई भी अदर चीज़ें नहीं है। तो आप इसके अंदर जो है उसको ओपन करके इनमें वायर फंसा के इजिली इसको रन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पीछे प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर चेसी से ऊपर थोड़ा सा दिया है ताकि ये जो प्लास्टिक जो मटेरियल है वो टूटे ना। या अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी जो पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड में दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्लग यूज करेगा वो बेसिकली यहाँ पे 16 एम्पियर का प्लग यूज करेगा। तो इजिली जो है वो आप अपने इंडियन सॉकेट में जो 16 एम्पियर के होते हैं उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छी खासी जो है वो क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये था एम्पलीफायर का बैक लुक। अब फ्रंट लुक भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी आप सभी को जिस चीज का इंतजार था वो था इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मिल जाता है आपको एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अब यहाँ पे आप क्वालिटी को देख सकते हैं प्योर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेड इन इंडिया को रखा गया है। और यहाँ पे इंटरनल पार्ट की क्वालिटी को देखते हुए अभी जितने भी मैंने बूस्टर खोले हैं, बेसिकली ड्यूल चैनल के बहुत कमी मैंने यहाँ पे बूस्टर देखे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा लगा कि अब देखिए, सबसे पहले आप इस सेक्शन को यहाँ अलग कर दीजिए, इस सेक्शन को आप यहाँ अलग कर दीजिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, एक ये ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर के जस्ट सामने आप देखते हैं पावर सप्लाई के ये दो दो कैपेसिटर हो जाते हैं। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक ये रिले हो जाती है,
एक ये रिले हो जाती है, दो रिले यहाँ हो गई हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट के ये बोर्ड हो जाते हैं, दोनों अलग अलग दोनों दिए हुए हैं बिल्कुल सेपरेट सेपरेट, और यहाँ पे बाकी जितना भी पीसीबी है वो भी बिल्कुल अलग अलग सेपरेट दिया गया है। या अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी काउंटिंग का, तो आप यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं तोशीबा के यानी जापान मेड जो है वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करा गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 10 यहाँ पे टोटल जो हो गए वो यहाँ पे 20 ट्रांजिस्टर का इसके अंदर यूज करा गया। तो ओवरऑल दोस्तों अभी आप यहाँ पे जो है वो क्वालिटी देख चुके हैं। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल ये आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग की क्वालिटी, और यहाँ पे एम्पलीफायर फिनिशिंग से ही बता देता है कि वो कैसा बजने वाला है, क्या फिनिशिंग आने वाली है और कैसा रिपेयरिंग में रहने वाला है। बेसिकली जो वायरिंग होती है उस पर सारे डिपेंड करता है कि रिपेयरिंग ईजिली हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो काफ़ी अच्छी जो है वो वायरिंग के साथ में और यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है वो फिट करा गया है। ओवरऑल आपको ये था दिखाने की क्वालिटी, चलते हैं अभी हम कुछ और डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों कैसी लगी क्वालिटी यहाँ पे हमारे एम्पलीफायर की, जरूर नीचे कमेंट में बता के जाना। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया आपको इंटेल बार की क्वालिटी, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट सारी चीज़ें जो है वो अलग करी गई हैं दोनों दोनों चैनल के लिए। या अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि रिपेयरिंग की, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए ये जो पार्ट्स है वो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बाकी कंपनी के जो सर्विस है यहाँ पे वाकई में अच्छा, अगर आप एम्पलीफायर भेजते भी हैं तो ये ठीक करके आपको दे देते हैं बहुत जल्दी। या अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट की यानी पर चैनल जो है आउटपुट तो 750 वाट जो है इसकी यहाँ पे आउटपुट है, लेकिन मैक्स जो आउटपुट आपको इसको जो निकाल के देते हैं यानी पर चैनल जो है वो मैक्स 2 ओम्स पे आपको ये 850 वाट तक का जो है वो आउटपुट निकाल के दे देगा। बाकी वो तो हम यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो मैं यहाँ पे काफी दिनों पहले इसको कर चुका हूँ, तो वो वाली जो टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी आपको कैसा लगा ये एम्पलीफायर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे इस एम्पलीफायर का जो लुक है यहाँ पे जो कलर यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन इसका बनाया गया वो काफी यहाँ पे क्लासिक लुक देता है इस एम्पलीफायर को। ओवरऑल अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसकी जो टेस्टिंग है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट तक मैं आपको इसकी प्राइसिंग डिटेल कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी डिटेल दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम आता है टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों मैं क्या चीज़ लगा रहा हूँ कैसे लगा रहा हूँ सारी डिटेल मैं आपको अभी देता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारा एम्पलीफायर देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ अगर मैं बात करूँ उस पर लोड की तो मैं यहाँ पे लोड जो है वो आप देख सकते हैं 2 मॉनिटर दे रहा हूँ, जो मॉनिटर की पावर है वो है यहाँ पे 800 वाट। HFs इसके अंदर हमने जो लगा रखी हैं वो यहाँ पे 88 वाट के HFs लगा रखे हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इसके कनेक्शन की तो दोनों चैनल पे एक एक इनपुट दे रखे हैं। बात करता हूँ हमारे मिक्सर की तो दोस्तों यहाँ पे जो मिक्सर है वो है यहाँ पे T7 न्यूट्रॉन प्लस का हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं वो रियल ऑडियो का ही यहाँ पर ब्रांड है। बात करता हूँ पीछे के इनपुट की तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों चैनल पे मैंने इनपुट करे हुए हैं और यहीं पे दोनों चैनल से ही आउटपुट ले रखे हैं। तो चैनल 1 और चैनल 2 एक एक मॉनिटर सिंगल सिंगल एक एक चैनल पे डाल दिए हैं। बात करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच मैंने कहाँ पे करा हुआ है, अभी हम इसको स्टूडियो कर देते हैं। और यहाँ पे एक फ़ैन हो जाता है, आपको बाकी डिटेल्स जो है वो मैं दे चुका हूँ। और यहाँ पे ये टेस्टिंग काफ़ी टाइम से जो है वो पहले करी जा रही है, नहीं वीडियो आने से पहले बहुत करी जाएगी, तो आपको प्रॉब्ली वीडियो कब मिलती है वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी चलते हैं हमारी टेस्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं। I'm
तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और दोस्तों कैसा करा इसने परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट बता के जाना। अभी दोस्तों आपको एम्पलीफायर के बारे में कुछ कमेंट आ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ थॉट आ रहे हैं तो जरूर नीचे लिख के जाएगा। बाकी दोस्तों मेरे कुछ ओपिनियन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने इस पर बताया कि लोड मैंने यहाँ पे 800+ उसके अंदर जो HF थे वो 88 वाट के जो थे वो मैंने HF यहाँ पे डाले हुए थे, तो लोड तो मैं यहाँ पे प्रॉपर दे रहा था। उसके बाद भी मुझे यहाँ पे जो क्लिपिंग पे यानी इसको ओवर ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना आउटपुट ये मुझे दे रहा था। प्लस यहाँ पे जो इसकी अच्छी बात ये लगी कि मिक्सर से मैंने यहाँ पे जो गेन का लेवल था वो वे बहुत ही ज़्यादा कम करवा था, यानी 1-2-3% मैंने अराउंड खोला हुआ था यहाँ पे गेन को, फिर भी यहाँ पे जो इनपुट हो रहा था मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि गेन मैंने इतना कम करा हुआ है। तो इनपुट को लेके यहाँ पे आउटपुट जो बन रहा था वो बहुत ही अच्छा था, तो कोई भी मेरे को इशू नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं अगर माइक पे आप यूज़ करते हैं आपको गेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे गेन बढ़ाने से आपको कुछ ज़्यादा ही फीडबैक का जो है वो प्रॉब्लम आता है छोटे मोटे कार्यक्रम में। तो यहाँ पे यस इस एम्पलीफायर के साथ में नहीं होगा, अगर आप कम गेन आउटपुट भी देखे इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो इस अच्छा खासा जो है वो आपको ये आउटपुट निकाल के दे देगा आपको स्पीकर में। या अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, तो वाकई में दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी दे रहा था वो सुनने लायक था। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इंडियन मेड है दोस्तों, यहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इजिली रिपेलेबल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं कि आप ले लिया और वहाँ पे आपको पार्ट नहीं मिला। तो किसी भी आप नॉर्मल मार्केट में जाइए और इसके पार्ट्स आपको इजिली मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है वो आफ्टर सेल सर्विस के साथ में जुड़ी रहती है, आपके साथ में जुड़ी रहती है। बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसके परचेजिंग के और प्राइसिंग की, तो उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे 18,000 रुपये एक एम्पलीफायर की प्राइस है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कहाँ से अवेलेबल होगा, दोस्तों ये शोर होगा आपको व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना है। आपने अपना यहाँ पे फाइनल ऑर्डर सिर्फ बुक करना है, बाकी डिटेल के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी तो जरूर नीचे कमेंट बता के जाना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करने को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।